एक रुपया सिर्फ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओ उसमें हीरो का गाड़ी मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल खोज इंडिया। मैं हूँ चंदन। मेरे सामने है ये हीरो एक्सपल्स। ये बाइक अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। ये 4 वाल्व है, तो ये बाइक अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग ये बाइक खरीद रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बाइक दिखा रहा हूँ कि इस बाइक में क्या क्या है, इसका प्राइस और सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं कलर के बारे में बता देता हूँ। ये बाइक आपको 4 कलर वेरियंट में मिलेगा। ये जो कलर मेरे सामने है ये है ट्रेल ब्लू कलर, और इसके अलावा ब्लीच ब्लू, रेड और वाइट कलर में आपको ये बाइक मिल सकता है। 200cc सेगमेंट में ये बाइक है। 200cc सेगमेंट में ये बाइक है। ये जो इंजन है 199.6cc, मैक्सिमम पावर 18.8 bhp एट द रेट 8500 rpm है। और ये जो जॉइंट टाइप का बाइक देख रहे हो, इसका कार्ब वेट है 158 kg। इस बाइक का टॉप स्पीड है 115 km/h। ये टॉप स्पीड है। लोग अभी टूरिंग के लिए ये बाइक बहुत ही पसंद कर रहा है। हीरो एक्सपल्स अभी एक टूरिंग बाइक हो गया है। टूरिंग के लिए ये बाइक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सामने यहाँ पर वाइजर है, 9 inches के ऊपर ये वाइजर है, और यहाँ पर LED DRL है। मैं आपको हेडलाइट दिखा देता हूँ। ये फुल्ली LED लाइट से बहुत ही प्रोमिनेंट लाइट है, बहुत अच्छा लाइट है, काफ़ी ब्राइट लाइट है LED लाइट्स। और ये DRL काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वेरी स्टाइलिश लुक से सामने से। और ये मडगार्ड है, मडगार्ड के सामने यहाँ पर ब्लू कलर का स्टिकरिंग है। डिज़ाइन स्टिकरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हीरो एज लिखा हुआ है। और ये है टायर्स, टायर्स का जो बूटी है काफ़ी अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में ये जो फ्यूल टैंक है, यहाँ पर एक्सपल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 वाल्व है वाइट के ऊपर। ये ब्लू कलर काफ़ी मैनली है, काफ़ी अच्छा है, वेरी डिसेंट कलर है। यहाँ पर हीरो का जो स्टिकर है वो लगा हुआ है। यहाँ पर हीरो बैजिंग है। यहाँ पर एक वो कवर लगेगा, अभी नया है इसलिए लगा नहीं है, लेकिन जब ये बाइक डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएंगे तब यहाँ पर एक कवर लग जाएगा। ये एक लेंडी बाइक है, यहाँ पर कैरियर है, तो आप यहाँ पर कुछ लगा सकते हो टूरिंग के लिए, यहाँ पर कुछ आप अटैच कर सकते हो। ये टेल लाइट्स है, फुल्ली LED है, काफ़ी ब्राइट प्रोमिनेंट है। उसके नीचे यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है। LED लाइट्स फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है। और यहाँ पर पीछे एक लाइट्स है ताकि यहाँ पर जब नंबर प्लेट लगाओ तो वो दिख सके, इसीलिए सारी गाड़ी यहाँ पर नेकेड चेन है, कोई कवर नहीं है। ऑफ रोडिंग के लिए ये मेनली बाइक है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इंजन कॉल है, सामने इंजन गार्ड है। ऑफ रोडिंग के लिए, टूरिंग के लिए ये बाइक है, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी था ताकि कुछ अगर लगे तो इंजन को डायरेक्ट ना लगे। ये गार्ड काफ़ी सॉलिड है, ये जो मटेरियल है काफ़ी सॉलिड है, मेटल है। और ऑफकोर्स ABS के साथ ये बाइक है। फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर रबराइज्ड फिनिश है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन। ऑफकोर्स हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ये फ्यूल टैंक है, और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है सामने। चाबी लगाने की जगह सेंटर में नहीं है, हैंडल की थोड़ा बाएं तरफ है। यहाँ पर ये चाबी लगाने की जगह है, और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, फुल्ली डिजिटल, वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें है। और हैंडल की दाहिने तरफ यहाँ पर इंजन किल स्विच है। ये इंजन ऑफ है, ऊपर ये इंजन ऑन है, और ये नीचे दबाने से, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, नीचे दबाने से इंजन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे। इंजन का जो साउंड है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा साउंड है। तो ये इंजन ऑफ स्विच है, इंजन किल स्विच है। और हैंडल की बाएं तरफ यहाँ पर पासिंग लाइट स्विच है। लाइट्स आप देख रहे हो सामने, काफ़ी ब्राइट लाइट है, LED है। और ये डिम डिपर का स्विच है, हेडलाइट। ये टर्न इंडिकेटर स्विच है, देख रहे हो, ये टर्न इंडिकेटर स्विच है। स्विचिंग कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छा है। हॉर्न कैसा है एक बार सुन लेते हैं, काफ़ी लाउड है, काफ़ी प्रोमिनेंट हॉर्न है। चलिए आप डिटेल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये स्पोक व्हील है, अलॉय व्हील नहीं है, मेनली टूरिंग ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक है, तो स्पोक व्हील बहुत ज़रूरी है। तो इसमें स्पोक व्हील है, और विथ ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं है। C8 का विथ ट्यूब टायर इसमें है। फ्रंट टायर का साइज है 21 इंचेस, 90x90 सेक्शन का टायर,
लगा हुआ है और पीछे व्हील साइज है 18 इंचेस 120x80 सेक्शन के टायर इसमें लगा हुआ है। स्पोक्स एंड विद ट्यूब टायर इसमें है। 37mm डायमीटर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन इसमें है और पीछे रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। सामने और पीछे डिस्क ब्रेक है। फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है यह है 276mm। पेटल डिस्क ब्रेक इसमें लगा हुआ है विथ ABS और पीछे डिस्क ब्रेक का डायमीटर है 220mm। ABS रहने से इस बाइक का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 30 लीटर्स। फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है। और अब बात करते हैं इंजन के बारे में। 199.6 cc ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर OAC इंजन इसमें है और इस इंजन का मैक्सिमम पावर है 19.1 PS एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 17.35 Nm एट द रेट 6500 RPM। RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ इसमें किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑफ रोडिंग और टूरिंग के लिए इस बाइक में जो गार्ड है, इंजन गार्ड है यहाँ पर, ये काफ़ी सॉलिड है। ओवरऑल बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है, जो क्वालिटी है, ये टूरिंग या ऑफ रोडिंग के लिए है। 12 volt 6 ampere मेंटेनेंस फ्री बैटरी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फुल LED लाइट्स, LED टेल लाइट्स, वेरी स्टाइलिश DRL के साथ जो LED लाइट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ब्राइट प्रोमिनेंट है। मुझे एक पॉइंट कमी लगा इस बाइक में, वो है हैज़र्ड लाइट स्विच होना चाहिए था, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है तो इसलिए हैज़र्ड लाइट स्विच मुझे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन सिंगल पीस हैंडल है, राइडिंग कम्फर्ट अच्छा है, राइडिंग कम्फर्ट बढ़िया है और यहाँ पर गार्ड है। क्वालिटी अच्छा है, प्लास्टिक मटेरियल का है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है। ABS इंडिकेटर है, फुल्ली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन असिस्ट और बहुत सारे इंफॉर्मेशन, क्लॉक, ABS इंडिकेटर, साइड स्टेन इंडिकेटर, सारे एडवांस फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो नेविगेशन की जो मेनली है टूरिंग के लिए, वो असिस्ट आपको मिलेगा। टर्न बाई टर्न नेविगेशन असिस्टेंस आपको मिलेगा। अब इस बाइक का डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल लेंथ जो है ये है 2222 mm। इस बाइक का जो ओवरऑल विड्थ है ये है 850 mm और जो ओवरऑल हाइट है ये है 1258 mm और जो व्हील बेस है ये है 1440 mm। रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इस बाइक का कार्बोइट है 158 kg और जो सीट हाइट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट, इसका सीट हाइट है 825 mm। तो आपका हाइट वाइज ये बाइक आप कितना कंफर्टेबली राइड कर पा रहे हो या कर सकते हो, उसके लिए एक टेस्ट जरूर लीजिएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए कि ये बाइक आप कितना कंफर्टेबली राइड कर पा रहे हो, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए टेस्ट राइड मस्ट। और अकॉर्डिंग टू आरगोसी हीरो चंदन नगर हुगली जो वेस्ट बंगाल में है, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,66,000 rupees। अप्रॉक्सीमेटली ए ऑन रोड प्राइस है 1,66,000 rupees। और यहाँ पर देखिए जो मार्डगार्ड है ये पीछे ऐसे कवर हुआ है ताकि आप जब ऑफ रोडिंग या फिर बरसात में या लॉन्ग टूर के लिए आप जब भी वेरियस रोड कंडीशन में राइड कर रहे हो, तब कोई भी मड या कोई भी कचरा आपको पैर ना लगे, इंजन में ना लगे, इसीलिए फुल्ली गार्ड है पीछे से कुछ ऐसा। ऑफ रोडिंग के लिए, टूरिंग के लिए ये बाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट है। बहुत सारे लोग इस बाइक को लेके अभी टूर पे जा रहे हैं, यहाँ पर हीरो लोगो है। ओवरऑल लुक्स वाइज तो वेरी स्मार्ट गुड लुकिंग एक बाइक है, एक मैनली फीलिंग इसमें है और टूरिंग के लिए ये बाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट है। लेकिन इसका हाइट, सीट हाइट ज़्यादा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। तो ही था ओवरऑल हीरो एक्सपल्स के बारे में। मैं पहले ये बाइक जब लॉन्च हुआ था मैं दिल्ली में, तब मैं एक वॉकराउंड किया था 2022 में। BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ ये बाइक है, मैं आपको दिखा दिया, उम्मीद है कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई जानकारी है, आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये फाइबर है और ये जो सीट है सिंगल पीस, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, कोई स्प्लिट सीट नहीं है। सीटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है,
और पश्चात लॉन्ग राइड में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पीठ दर्द नहीं होगा। बहुत दूर तक, बहुत किलोमीटर एक साथ आप राइड कर सकते हो। सीट और हैंडल, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मौसमी है, मैं जानूंगा कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है मौसमी, तो अर्गोसी हीरो जो चंद्रनगर हुगली में है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर चल रहा है, वो ऑफर क्या क्या है? इसमें जो फेस्टिव सीजन में जो ऑफर चल रहे हैं वो है, ग्लैमर गाड़ी लेंगे तो ग्लैमर एक्सट्रा गाड़ी लेंगे तो 2100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। ओके। इसके बाद सुपर स्प्लेंडर में 2000 का कैश डिस्काउंट मिलेगा, ग्लैमर नॉर्मल मॉडल हेलोजन में आपको मिलेगा 3000 का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। एचए डिलक्स में 2100 रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक्सट्रीम गाड़ी, एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम स्टेल्थ, एक्सट्रीम 200S गाड़ी में 5000 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये सारे डिस्काउंट क्या कैश लेने में मिलेगा या फिर अगर मैं फाइनेंस स्कीम में लूँ तो? फाइनेंस कैश में बोथ में मिलेगा। ओके, और एक स्कीम था बहुत ही लुक्रेटिव, 1 रुपया देने से हीरो एक रुपया मिला, वो क्या है? वो बहुत लुक्रेटिव स्कीम है, 1 रुपया देने से हीरो का गाड़ी मिलेगा। कैसे? 1 रुपया सिर्फ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ओ उसमें हीरो का गाड़ी मिल जाएगा आपको। और एक स्कीम है जो अभी अगर रुपया ना दे तो मैं चाहूँ इस साल बाइक लूँ और अगले साल से ई एम आई स्टार्ट, वो भी मिलेगा? वो भी मिलेगा। इस साल आप गाड़ी लेंगे तो अगले साल से आपका ई एम आई स्टार्ट होगा। और जो 1 रुपया डाउन पेमेंट है उसके बाद पेमेंट कब देना पड़ेगा? 1 रुपया डाउन पेमेंट नेक्स्ट महीने से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों स्कीम अलग है, दोनों स्कीम अलग है, लेकिन 1 रुपया देने से डाउन पेमेंट करने से मैं अभी बाइक लेके जा सकता हूं? अभी अभी आप गाड़ी तुरंत ही ले जा सकते हैं। मौसमी डील खुद कर दिया, थैंक यू वेरी मच मौसमी। और अर्गोसी का नंबर प्लीज बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हम आएंगे, टेस्ट राइड लेंगे और 1 रुपया देके बाइक लेके जाएंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका नॉर्मल KYC का डॉक्यूमेंट्स, बैंक का पासबुक का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बैंक का चेकबुक और ATM कार्ड बस। ओके, और नंबर बता दो। अर्गोसी का नंबर है 9289-23070। थैंक यू, ये हर एक दिन खुला रहता है? हाँ, कोई क्लोज नहीं है। थैंक यू मौसमी, इस फेस्टिव सीजन में डील खुश कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो और अगर आप नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब खोज दीजिए चैनल राइट नाउ, ऐसे रेगुलरली टू व्हीलर रिलेटेड मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो ऑल ऑप्शन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।